हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीटेक पावा। व्हाई आर यू हियर व्हेन वी आर हियर। सो इस वीडियो हम आपके लिए एक और थ्री इंटर्नशिप से रिलेटेड अपडेट लेके आए, यानी आपके लिए एक और बड़ी बिग अपडेट लेके आए। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया इंटर्नशिप के बारे में। तो आपको मैं बता दूँ, कोल इंडिया कंपनी है वो इससे पहले इंटर्नशिप रिक्रूट नहीं करती थी, यानी इससे पहले उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं था। तो 10 मई 2021 को एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोल इंडिया कंपनी एंड उसके जो सब्सिडरीज कंपनी है उसके लिए यहाँ पे इंटेंसिव प्रोग्राम लाया जाए। तो उसके लिए एक मीटिंग बनाई गई एंड उस मीटिंग में एक फैसला लिया गया, अब से इंटेंसिव प्रोग्राम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लाए जाएंगे। एंड उसके बाद अब नोटिफिकेशन जारी कर दिए, यानी कोल इंडिया ने इंटेंसिव लॉन्च कर दी गई है। तो इसमें आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, यानी आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, या फिर आप यंग प्रोफेशनल हो, यानी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, तब भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस इंटर्नशिप में आपको 30,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर 30,000 का स्टाइपेंड मिलता है बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया एक PSU है, यानी महारत्न कंपनी है, तो यहां से आपको इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत बड़ी बात है। एंड इसमें अगर आप MBA स्टूडेंट हो, अगर आप इंजीनियरिंग यानी BE BTech ME MTech स्टूडेंट हो, एंड साथ ही साथ आप CA या लॉ स्टूडेंट, आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। गाइज, मैं इस कोल इंडिया इंटर्नशिप के बारे में पूरा डिटेल में प्रोसेस बताने वाला हूं कि इस इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है एंड कब इसका फॉर्म रिलीज होता है, कहां इसका फॉर्म आता है, स्टाइपेंड कितना है, ड्यूरेशन कितना रहता है एंड प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, कौन कौन से स्टूडेंट इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं। तो गाइज, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि मैं इसमें पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसके देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें, जिससे आपको इस इंटर्नशिप से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाए, आप इस इंटर्नशिप के बारे में क्लियर हो जाए। तो गाइज, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटर्नशिप प्लेसमेंट फ्री कोर्सेज फ्री सर्टिफिकेट से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कोल इंडिया इंटर्नशिप से पहले हम कोल इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में CIL कहते हैं, ये बेसिकली कोल माइनिंग एंड रिफाइनिंग कॉर्पोरेशन का काम करती है, यानी ये कोल माइनिंग का काम करती है और ये गवर्नमेंट ऑफ एंटरप्राइज यानी गवर्नमेंट कंपनी है एंड ये एक महारत्न कंपनी है, एक PSU है। तो आप यहाँ से इंटर्नशिप करते हो, उस जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इंटर्नशिप के साथ साथ जो वर्किंग प्रोफेशनल रहेगा जहाँ से आप लर्निंग करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करता है, वो आपके कैरियर भी चेंज कर सकता है। जो कोल इंडिया कंपनी है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इसने ये इंटेंसिव लॉन्च की गई है। तो इसने जो इंटेंसिव नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उस पर हम जाते हैं एंड इस इंटेंसिव के बाद और डिटेल में जानते हैं। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे इंटेंसिव नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो मैं आपको इंटेंसिव नोटिफिकेशन ले जाता हूँ एंड यहाँ पे कोल इंडिया के HRD डिवीजन ने यह इंटेंसिव नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका सब्जेक्ट आप देख सकते हो, इंटेंसिव स्कीम फॉर स्टूडेंट इन कोल इंडिया एंड सब्सिडरीज कंपनीज। तो जैसा कि मैंने बताया, कोल इंडिया लिमिटेड की एक मीटिंग हुई थी जो 10 मई 2021 को, उस समय ये इंटेंसिव स्कीम फॉर स्टूडेंट इन कोल इंडिया एंड सब्सिडरीज कंपनीज है, उनके लिए यहाँ पे इंटेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और आप यंग अनएम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो स्टूडेंट हो, तब इस इंटेंसिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड ये जो स्कीम है, द स्कीम विल हेल्प द स्टूडेंट एंड यंग प्रोफेशनल टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग सिस्टम इन CIL। ये जो स्कीम इसलिए लॉन्च की ताकि आप जैसे स्टूडेंट और यंग अनएम्प्लॉयड जो प्रोफेशनल है उनको पता चले कि CIL का जो इंडस्ट्रियल वर्किंग सिस्टम वो क्या रहता है, एंड उससे कंपनी को भी फायदा होगा। आप जैसे यंग टैलेंट वहाँ जाएंगे तो उनको नए आइडियाज मिलेंगे। तो इस पर्पज से ये इंटर्नशिप लॉन्च की गई है। इंटर्नशिप जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, या जो यंग अनएम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, तो उनका जो ड्यूरेशन है, यानी जिस दिन वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे 2 साल के पहले के ड्यूरेशन वो कभी भी पास आउट हो तो वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन स्टूडेंट को कोल इंडिया लिमिटेड की जो सब्सिडरीज कंपनीज है उनके साथ एसोसिएट होने का मौका। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी वेरियस सब्जेक्ट वर्टिकल्स। तो मैं आपको सब्जेक्ट वर्टिकल में आगे बताऊंगा कि हर ब्रांच के लिए अलग अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट है, टाइटल है, उसमें आप इस तरह इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो एलिजिबिलिटी में जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या यंग प्रोफेशनल जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उनका जो कॉलेज की रैंक है वो 1 से लगाकर 80 के बीच होनी चाहिए उनका इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड जो मैनेजमेंट स्टूडेंट है यानी जो MBA कर रहे हैं उनकी जो कॉलेज की रैंक है वो 140 तक होनी चाहिए,
एंड जो लो स्टूडेंट है उनकी रैंक 1 से 15 रैंक के बीच में होनी चाहिए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी की गई है उसमें अगर आपका कॉलेज आता है तभी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली इस इंटर्नशिप के लिए आपका कॉलेज भी मैटर करता है, क्योंकि कॉलेज अगर आपका उस रैंकिंग में आता है जो यहाँ पे रैंकिंग डिफाइन की गई है NIRF की उसमें आता है तभी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे फोर शॉर्टेड अकाउंट और कोस्ट अकाउंट कैंडिडेट्स दोज क्लियरिंग फाइनल एग्जामिनेशन वन अटेम्प्ट विल ओनली बी कंसिडर्ड। यानी जो CA स्टूडेंट है या कोस्ट अकाउंटेड कैंडिडेट्स है तो उन्हें अगर पहले ही अटेम्प्ट में उनका फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया तो वो इस इंटर्नशिप के लिए कंसिडर किए जाएंगे, यानी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल की क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो इंजीनियरिंग में यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर सिविल इंजीनियरिंग, देन केमिकल, फिर यहाँ पे माइनिंग, IT फील्ड, फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर यहाँ पे सिस्टम इंजीनियरिंग, फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनवायरमेंट। तो इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सारी फील्ड कवर कर लिए, तो अगर आप इसमें से किसी भी फील्ड से हो साथ ही साथ आपके कॉलेज की रैंक NIRF में 1 से 80 के बीच आता तब आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। MBA स्पेशलाइजेशन में अगर आप HR फील्ड, मार्केटिंग और मटेरियल मैनेजमेंट एंड साथ ही साथ आपका कॉलेज 1 से 15 की रैंक के बीच आता है तब आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड देन LLB अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तब आप LLB कर रखे तब आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो या आप कर रहे हो। एंड लास्ट में चार्टेड अकाउंटेंट एंड पोस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद दे मस्ट हैव स्कोर 70% और मोर कुमुलेटिव मार्क्स इन देयर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट डिग्री। यानी आप अगर MBA स्टूडेंट हो या आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो आपके जो मिनिमम परसेंटेज है वो 70% होने चाहिए आपकी कॉलेज की डिग्री में। अगर आप लॉ स्टूडेंट और CA स्टूडेंट हो तो आपकी 55% मिनिमम स्कोर होना चाहिए टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एंड वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद द अचीवमेंट इन एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी इन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। आपकी कोई भी अगर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे एक अचीवमेंट है, एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज में आपने कुछ अच्छा अचीव किया है, आपने कहीं नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया हो, कोई ऐसा प्रोग्राम दिया हो, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, तो वो इवेंट की वजह से आपको इस इंटर्नशिप के लिए प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद है यंग प्रोफेशनल हुए कंप्लीटेड देयर क्वालिफिकेशन आर नॉट येट एम्प्लॉयड अप्लाई विद इन 2 ईयर्स। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप अगर जिस दिन इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो उससे 2 साल पहले के ड्यूरेशन में आप अगर पास आउट हुए हो एंड आप अभी भी एम्प्लॉयड नहीं हो तब आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट इज डिक्लेयर ऑन 55 जून 2020 तो देन ही विल एलिजिबल टू अप्लाई 1 जुलाई 2020 30 जून 2020। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन गिविंग रिक्वायर्ड डिटेल इंक्लूडिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन कोल इंडिया लिमिटेड वेबसाइट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन। तो मैं आपको टाइमलाइन बता दूंगा जहां पे ये ऑनलाइन आपको लिंक दिया जाएगा इंटर्नशिप का वो आपको फिल करना है, जहां पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड डिटेल मांगी जाएगी। द लिंक विल बी ओपन ट्वाइस इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर 1 मंथ एट 6 मंथ इंटरवल। तो ये जो लिंक है इंटर्नशिप अप्लाई करने का ऑनलाइन वो साल में 2 बार इंटर्नशिप का जो लिंक आएगा एंड आप 6 मंथ के इंटरवल में इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड प्रिफरेबली इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई। यानी अभी जुलाई मंथ में इस इंटर्नशिप का जो ऑनलाइन इंटर्नशिप अप्लाई करने का लिंक आने वाला है तो उसके लिए मैं अभी आपको अपडेट कर रहा हूँ। साथ ही साथ जनवरी में कोल इंडिया का जो ऑनलाइन अप्लीकेशन लिंक है वो भी आएगा तो आप उस टाइम पे भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप अभी के लिए जुलाई 1st से आने वाला है, यानी जुलाई 1st से 31st मंथ 1 मंथ के बीच ये इंटर्नशिप का जो पोर्टल है अप्लाई करने का एप्लीकेशन लिंक वो यहाँ आएगा, वहां से आपको अप्लाई करना। जैसे ही इंटर्नशिप का लिंक रिलीज होगा तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा जहां से आप लिंक ओपन करके इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट शैल अप्लाई 6 मंथ इन एडवांस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ स्टार्टिंग द इंटर्नशिप। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि इंटर्नशिप बहुत सारी आने वाली है क्योंकि PSU है, तो लोगों ने ये मेंशन किया है कि अगर आप जिस टाइम से इंटर्नशिप करना चाहते उससे 6 मंथ पहले आप ट्राई कीजिए इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो ताकि आपकी इंटर्नशिप सेलेक्ट हो जाए। आप जुलाई और जनवरी में ये लिंक ओपन हो गए तो आप उस समय इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट विल रिक्वायर टू सेलेक्ट प्री डिफाइंड सब्जेक्ट वर्टिकल फ्रॉम द लिस्ट अटैच एन एक्स ए। तो वो मैं आपको लिस्ट बता दूंगा जहां पे आप सब्जेक्ट वर्टिकल्स है तो वो आपको इन लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दी अपनी वेबसाइट पे, तो वो उनमें से आप कोई भी जो वर्टिकल सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग ब्रांच और स्पेशलाइजेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिकल्स है तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। एंड फिल इन देयर प्रेफरेंस फॉर सब्सिडरीज और प्रपोज ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट।
यानी आप इस प्रोजेक्ट के लिए आपको जो कितना ड्यूरेशन है वो आपको एकदम जो भी नेसेसरी डिटेल है वो फिल करनी है। एंड द कैंडिडेट कैन ऑल्सो सजेस्ट टॉपिक अंडर द सूजन सेलेक्टेड सब्जेक्ट वर्टिकल, यानी आप जिस वर्टिकल को सेलेक्ट किया उस वर्टिकल में आप खुद से भी कोई टॉपिक और प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो जो उससे रिलेवेंट होना चाहिए। सजेस्टेड टॉपिक और ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी और डिसीजन ऑफ सब्सिडरीज कंपनी विल बी फाइनल इन द दिस रिगार्ड, यानी अगर आप खुद से टॉपिक सजेस्ट करते हो तो कंपनी डिसाइड करेगी वही टॉपिक रखना है या चेंज करना है, उसके लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं यही रखना है। तो आपको मैं बता दूं जैसे ही आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो उसके बाद जो इस सब्सिडरीज में आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो जिस कोल इंडिया की जो कंपनीज है जो उनके सब्सिडरीज कंपनी उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो उनको ये डायरेक्ट वहां पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग मेरिट निकालेंगे, मेरिट का मैं आपको बता दूं किस तरह रहेगा। तो आपका जो वेटेज है 50 मार्क्स है आपके जो कॉलेज की रैंकिंग को दिए जाएंगे। तो कॉलेज की रैंकिंग यहाँ पे बहुत मैटर करती है क्योंकि उसकी 50 मार्क्स तो आपकी कॉलेज की रैंक से डिसाइड हो गए एंड फिर आपके जो मार्क्स है जो CGPA वो यहाँ पे 30 मार्क्स के रहेंगे। एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे या कोई भी ऐसे इवेंट पार्टिसिपेट किया हो नहीं हो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसके लिए आपको वेटेज 20 मार्क्स का दिया जाएगा अगर आपके पास कोई है। अगर टाई हो जाता है ये दो स्टूडेंट एक ही जैसे मार्क्स आ जाते हैं तो जो यंगर कैंडिडेट होगा विल बी प्रिफर्ड, यानी यंगर कैंडिडेट को यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो कैंडिडेट डिग्री वाइज यंगर है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड रिजल्ट विल बी पब्लिश विद इन 6 वीक ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप अगर जुलाई 31 को इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो 6 वीक के बाद आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो उसके लिए यहाँ पे एक लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी एंड जहाँ पे आप पता लग सकता है आपका इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है ना हुआ। उसकी जो सब्सिडरीज कंपनी उसमें यहाँ पे वर्टिकल्स है फिर ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट लोकेटर वो सारे उनकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। एंड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अंडरगो इंटर्नशिप आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल सबमिशन ऑफ NOC फ्रॉम कॉलेज और स्टूडेंट इफ स्टिल स्टडिंग बाय कंसर्न सब्सिडरीज कंपनी, यानी उन स्टूडेंट को अलाउ किया जाएगा इंटर्नशिप के लिए जिनका क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको NOC भी सबमिट करनी है जो स्टूडेंट करंटली स्टडी कर रहे हैं भाई जो यंग अनएम्प्लॉयड प्रोफेशनल है उनको लिए यहाँ पे NOC सबमिट करने की जरूरत नहीं है। एंड नॉर्मली नॉट मोर देन 3 कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड अगेंस्ट ए सब्जेक्ट वर्टिकल, यानी एक सब्जेक्ट वर्टिकल से एक ही ब्रांच से 3 कैंडिडेट से ज्यादा सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये उनके द्वारा डिसाइड किया, हो सकता है 3 से ज्यादा भी सिलेक्ट कर ले क्योंकि यहाँ पे लिखा है। एंड उसके बाद है अदर साइलेंट फीचर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम, तो इसमें ड्यूरेशन है तो इंटर्नशिप ड्यूरेशन कैन रेंज फ्रॉम 2 मंथ टू मैक्सिमम 6 मंथ एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट एंड डिसाइडेड बाय कंसर्न FD ऑफ द CL, यानी जो आप जिस प्रोजेक्ट में या जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो इंटेंसिव पीरियड है वो 2 मंथ से और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ हो सकता है, ये 2 से 6 मंथ के बीच ये इंटेंसिव होने वाली ड्यूरेशन में। एंड देन नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो नॉर्मली 1 कैंडिडेट फॉर ए प्रोजेक्ट बट कंपनी कैन पुट मोर कैंडिडेट फॉर ए प्रोजेक्ट इफ द नेचर ऑफ सेम वारंट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 कैंडिडेट, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट में यहाँ पे फिक्स नहीं है, एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो कंपनी पे, जैसा कि बताया एक सब्जेक्ट वर्टिकल में 3 भी ले सकती है स्पेशली की ब्रांच से। फिर यहाँ पे स्टाइपेंड, तो स्टाइपेंड ऑफ 30,000 विल बी पे टू स्टूडेंट पर मंथ टिल द कम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर पीरियड लेस देन 1 मंथ प्रो राटा बेसिस पेमेंट वुड बी मेड, कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट देयर बैंक अकाउंट आधार कार्ड पैन नंबर फॉर द रिलीज ऑफ पेमेंट, तो आपको 30,000 स्टाइपेंड मिल रहा है गाइस, ये पहला PSU है जो आपको स्टाइपेंड दे रहा है, मैंने अभी तक तो कोई ऐसा PSU नहीं देखा जिसमें आपको इंटर्नशिप के पैसे मिलता है। तो आपको 1 मंथ कंप्लीट करने में आपको 30,000 मिलेगा एंड आप अगर पहले ही छोड़ देते हो तो उसके बेसिस पे मिलेगा जितने दिन आप काम करते हो, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट आधार नंबर पैन कार्ड ये सब डिटेल आपको फिल करना है, फिर आपको सर्टिफिकेट, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें ऑब्वियसली CIL का लोगो होगा। ऑफिशियल नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, तो जैसा कि हर कंपनी का होता है आपको जो चीजें हैं आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं भी पब्लिश नहीं करनी है, प्राइवेसी रखना है। एंड देन अकोमोडेशन, तो गाइस ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, मैंने आज तक ऐसा कोई PSU नहीं देखा जहाँ पे स्टे अरेंजमेंट भी PSU खुद करे, तो यहाँ पे आपको हॉस्टल्स और ट्रांजिट कैंप दिए जाएंगे, वहाँ पे हो सकता है शेयरिंग बेसिस पे दो स्टूडेंट हो, 3 स्टूडेंट हो, तो उसके बेसिस पे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये बहुत बड़ी बात है, PSU ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। एंड आपको खाने के लिए इस इंटेंसिव के लिए पे करने पड़ेंगे, आपको जो 30,000 स्टाइपेंड मिलेगा उसके लिए आप पे कर सकते हो। और लॉजिस्टिक में स्टूडेंट विल हैव टू ब्रिंग देयर ओन मोबाइल फोन लैपटॉप विद इंटरनेट कनेक्टिव, तो आपको खुद का मोबाइल ले जाना है, लैपटॉप ले जाना है एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी खुद की होगी। एंड जो स्टेशनरी आइटम है इंटरनेट कनेक्टिविटी वो आपको हो सकता है प्रोवाइड करते। फिर ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर प्रोजेक्ट वर्क नीडिंग टॉयलेट टू रिमोट एरियाज विल बी अरेंज्ड बाय कंपनी,
अगर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपके आसपास रिमोट लोकल एरियाज है तो उसमें अगर आप जाना है तो उसके लिए कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराएगी। एंड देन लोकेशन, तो लोकेशन एंड प्रोजेक्ट लोकेशन विल बी डिपेंड ऑन द टॉपिक फॉर विच द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एंड ही और शी विल हैव टू ऑपरेट एज पर नीड ऑफ प्रोजेक्ट ओनली। यानी आप किस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किए उस पर डिपेंड करते हैं आपकी लोकेशन का, किस सब्सिडीज या कोल इंडिया लिमिटेड की किस कंपनी में यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे काम हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपकी लोकेशन डिसाइड होगी। ये जो है वो CIL ही डिसाइड करेगी कि स्टूडेंट कैन वर्क अवे फ्रॉम वर्क प्लेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। तो अगर स्टूडेंट जो वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हैं, उनका प्रोजेक्ट अगर वर्क फ्रॉम होम है तो वो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट पे डिसाइड किया जा सकता है और उसको एक्सटेंड भी किया जाता है। जो फीमेल कैंडिडेट है तो उनको रिमोट लोकेशन के लिए इंटर्नशिप जो प्रोजेक्ट है वो नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अरेंजमेंट है वो कंपनी के द्वारा फीमेल कैंडिडेट के लिए अरेंज किए जाएंगे। सर्टिफिकेट शैल बी अवार्डेड टू सच स्टूडेंट हु लीव द इंटर्नशिप मिडवे विदाउट कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। यानी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट किए बिना ही आप इंटर्नशिप को छोड़ देते हो, आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा एंड उसके लिए आपको स्टाइपेंड भी, आपको पर डे जितना दिन आपकी अटेंडेंस रहेगी उसके बेसिस पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके बाद है एक्सटेंशन, तो इंटर्नशिप पीरियड वंस एग्रीड विल नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन द एनी ग्राउंड। यानी जो एक फिक्स हो गया टर्मिनेशन से 6 मंथ का हो गया 2 मंथ वो उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट, तो जैसा कि इंटर्नशिप है ये कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, यानी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी जो CIL कंपनी में जॉब करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा आप। एंड गाइज उसके बाद है सब्जेक्ट वर्टिकल फॉर प्रपोज इंटर्नशिप स्कीम। तो सब्जेक्ट वर्टिकल में सबसे पहले यहाँ पे माइनिंग ब्रांच है, तो माइनिंग ब्रांच में पहला जो सब्जेक्ट वर्टिकल है वो है ओपन कास्ट माइनिंग। इसमें यहाँ पे देख सकते हो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे प्रोजेक्ट है, जैसे ब्लास्ट डिजाइन इंप्रूवमेंट इन ब्लास्टिंग एफिशिएंसी, फिर यहाँ पे ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी फॉर ओवरबर्डन रिमूवल, यूज ऑफ IT इन माइनिंग, रिस्क मैनेजमेंट, डिजाइन प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉल रोड, इवैक्यूएशन ऑफ द कोल। फिर यहाँ पे जो सेकंड वर्टिकल है वो है अंडरग्राउंड माइनिंग प्रोजेक्ट, वो स्टडी ऑफ मैन राइडिंग सिस्टम इन द कोल माइंस, डिजाइनिंग ऑफ द कोल एज सपोर्ट सिस्टम, मैकेनाइजेशन ऑफ द अंडर कोल माइंस, वेंटिलेशन एफिशिएंसी, देन मॉनिटरिंग ऑफ कोल माइंस गैसेज, ट्रांसपोर्टिंग इन यूजी माइंस। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यहाँ पे इतने सारे 10 सब्जेक्ट वर्टिकल, जैसे स्टडी ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफ मैन मशीन फॉर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेटेड वर्क इन अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन, स्टडी ऑन एनर्जी एफिशिएंसी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी इन माइंस एज पर BEE गाइडलाइन, यहाँ पे स्टडी इन सजेस्ट मशीन वाइज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मॉड्यूल्स टू एनहांस द अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ऑप्टिमल डिजाइनिंग ऑफ सबस्टेशन 33/11 के फॉर पावर सप्लाई अरेंजमेंट फॉर माइंस एंड प्रोडक्शन। तो इस तरह के यहाँ पे 10 सब्जेक्ट वर्टिकल है, तो वो आप यहाँ से डीप में गो थ्रू कर सकते हो। बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, उससे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्टिकल कम्युनिकेशन मीडिया, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, डाटा नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, IT इनिशिएटिव, टेलीफोन एक्सचेंजर, मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट वर्टिकल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर थ्रू STAADPRO एक्स्ट्रा, स्टडी ऑफ माइन ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनिंग जीरो डिस्चार्ज सिस्टम, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी ऑफ OP सिस्टम, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑफ होल रोड। ऐसा करके यहाँ पे 12 सब्जेक्ट वर्टिकल है, उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट वर्टिकल सेलेक्ट करके उसमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इन्वायरमेंट ब्रांच, तो इन्वायरमेंट में यहाँ पर सब्जेक्ट वर्टिकल EIA EMP प्रिपरेशन, एयर क्वालिटी मॉडलिंग, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, नॉइज लेवल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेस, कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट प्रोसेस, डस्ट सुपरवाइजेशन प्रोसेस, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। उसके बाद है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ऑफ रिडक्शन इन डीजल कंजप्शन, प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट, HEMM ब्रेकडाउन एनालिसिस, शॉर्टेस्ट रूट सर्टिफिकेट, साइकिल टाइम स्टडी ऑफ HEMM, एस्टिमेशन ऑफ रेट्स ऑफ लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोयल, ESM रेट कैलकुलेशन, कोल ट्रांसपोर्टेशन एनालिसिस, ब्लॉक नेक स्टडी, CSP स्टडी। तो ये सारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वर्टिकल्स है। एंड उसके बाद है केमिकल डिसिप्लिन, तो केमिकल ब्रांच में यहाँ पे प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ वाशरीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाशरीज और न्यू प्रोजेक्ट, रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेशन पैरामीटर, कॉस्ट रेशनलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ रनिंग वाशरीज, कंसेप्चुअल ऑफ प्रोजेक्ट, लोकल लीकेज, फिलियो। यहाँ पे ऐसे करके 9 सब्जेक्ट वर्टिकल है यहाँ पे केमिकल ब्रांच के लिए, तो वो आप बाद में भी डीप में गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद है MBA में यहाँ पे HR ब्रांच के लिए, तो HR ब्रांच में यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय रिटेंशन, परफॉर्मेंस अप्रूवल, टैलेंट एक्सक्यूशन, फिर यहाँ पे 7 पे सक्सेस प्लानिंग, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक SR एनालिसिस, इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ CSR एक्टिविटीज। CA और पोस्ट अकाउंट स्टूडेंट, तो उसके जो सब्जेक्ट वर्टिकल है
वो है अकाउंटिंग एंड कंप्लाइंस ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस कंट्रोल एंड बजटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, यहाँ पे है लीगल डिसिप्लिन। तो जो लो स्टूडेंट है उनके लिए एनालिसिस ऑफ इंपोर्टेंट जजमेंट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट सर्विस मैटर, कमर्शियल मैटर एंड लैंड मैटर। एंड उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स डिसिप्लिन। तो इसमें यहाँ पे 10 सब्जेक्ट वर्टिकल है, तो उसको आप डीपली गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट मार्केटिंग पॉलिसी, सजेस्टिंग न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी अंडर द स्कोप ऑफ एमओसी गाइडलाइन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोल्स स्ट्रेटेजी मार्केट सर्वे, एक्सपोर्ट ऑफ द कोल मार्केट स्टडीज, स्टडीज कोल क्वालिटी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक प्लानिंग, रेल रोड एमजीआर कैप्टिव, स्टडी ऑन कोस्टल शिपिंग, स्टडी ऑन कोल मूवमेंट यूजिंग इनलैंड वाटरवेज। तो ऐसे करके यहाँ पे टोटल 13 सब्जेक्ट वर्टिकल है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और आईटी डिसिप्लिन, तो इसमें आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पाइथन डेवलपर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट, फिर यहाँ पे नर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मटेरियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन में यहाँ पे वेंडर रेटिंग मैकेनिज्म, पेमेंट प्रोसेस, स्टेरिलिज्म, स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट मेथड्स, इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट मॉडल, मोनेटाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल वेस्ट, फिर यहाँ पे परफॉर्म मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। देन उसके बाद है मैकेनिकल, मैकेनिकल में यहाँ पे स्टडीज ऑन आईसी इंजन, फ्यूल कंजप्शन एंड परफॉर्मेंस, स्टडी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूल फ्यूल ऑपरेशन, डीजल एलएनजी ऑफ एसी एमएम इंजन, फिर वाइब्रेशन एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ डिफरेंट लुब्रिकेट, एनालिसिस ऑफ डंपर परफॉर्मेंस, डिफेंडिंग होल रोड कंडीशन, ग्रेडियंट परफॉर्मेंस स्टडी एंड कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रोप्स एंड हाइड्रोलिक एग्जैक्टुएटर, एंड लास्ट में जो है वो अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट एग्जिस्टिंग एसीएमएम। तो यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच से टोटल 15 सब्जेक्ट वर्टिकल्स है, तो इतनी सारी डिफरेंट ब्रांच स्पेशलाइजेशन के डिफरेंट सब्जेक्ट वर्टिकल्स है। तो उसको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होगा 1 जुलाई से, तब आपको ये जो सब्जेक्ट वर्टिकल सेलेक्ट करना, उसके अंदर आप खुद का भी प्रोजेक्ट डाल सकते हो और वो लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको जैसे मैंने इतनी सारी डिटेल्स बताई वो सारी आपको फिल करना पड़ेगा। तो इस इंटर्नशिप का जो पोर्टल है वो रिलीज होगा, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टाइम पे अप्लाई कर दे ताकि आपको इंटर्नशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो ये पूरी कोल इंडिया जो लिमिटेड उसकी जो नई इंटर्नशिप लॉन्च की गई, तो इस साल से शुरू हो रही है, उसके बारे में डिटेल में था। एंड होप आपको एकदम कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, आपको पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके अलावा भी आपको लगता है कि डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे जहां से, ताकि आपको इस इंटर्नशिप पर और ज्यादा श्योरिटी हो, इसके बारे और ज्यादा नॉलेज हो। एंड गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी मेहनत एंड हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।